वोटिंग ट्रेंड्स जो हैं वो क्या कहते हैं, किसको कितने वोट मिल रहे हैं और क्या लगता है कि इस हफ्ते घर से कौन बेघर होगा। हालांकि अब फिनाले वीक में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 13 तारीख को फिनाले है। इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा इस तरह की भी खबरें थी, लेकिन कल पूजा भट्ट और फुकरा के बीच टिकट टू फिनाले का टास्क होगा और इन दोनों में से कोई एक सीधे सीधे फिनाले वीक पहुंच जाएगा। लेकिन जो इस हफ्ते 4 कॉन्टेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, अविनाश, मनीषा, जिया और जैड, इनमें से अब किसको कितने वोट मिल रहे हैं और कौन इस हफ्ते शो को अलविदा कह सकता है। फिलहाल 8 कंटेस्टेंट घर में बचे हैं, टॉप 5 होते हैं, पर इस बार ये खबर आ रही है कि टॉप 6 हो सकते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा, इसके अलावा टॉप 5 ही फिनाले वीक में जाएंगे और पूजा भट्ट फिनाले से पहले शो को बाय बाय कहेंगी, क्योंकि पूजा भट्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 को ही खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि ये टिकट टू फिनाले का टास्क होगा और उसके बाद जो है पूजा भट्ट भी इस वीकेंड पे निकल जाएंगी। उनको लेके खैर पिछले वीकेंड पे भी खबर थी कि वो निकल जाएंगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर, तो वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, किसको कितने वोट मिल रहे हैं। यहां पर जिया टॉप कर रही हैं, जिया को मनीषा से भी ज्यादा वोट मिल रहे हैं। मैं सरप्राइज इसलिए हूं क्योंकि मनीषा को फुकरा के फैंस का सपोर्ट है, एल्विश के फैंस का सपोर्ट है, इसके बावजूद जो है उसको बहुत कम जो है वोट मिल रहे हैं। तो मनीषा को जो है जिया से कम वोट मिल रहे हैं। और जहां तक बात है मनीषा की, वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर अविनाश है, लेकिन अविनाश को भी कोई बहुत अच्छे वोट नहीं मिल रहे। अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो अविनाश और जैड दोनों जा सकते हैं, और सबसे नीचे यानी कि बॉटम में जैड हदीद है। जैड मुझे तो मालूम ही है कि टॉप 5 में नहीं ही जाएंगे फिनाले वीक में, वो डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन वो यहां तक पहुंचे ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जैड का एलिमिनेशन इस हफ्ते हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते मेकर्स एक ही एलिमिनेशन करेंगे या डबल एलिमिनेशन होगा, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।